मित्रों, अगर आप अपने जीवन में अच्छा समय चाहते हैं तो याद रखें कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचें। सुख दुख का क्या है? सुख दुख तो एक अतिथि के समान है, वो आएंगे और चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अपने जीवन का अनुभव कहाँ से लाएंगे? जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो यहाँ पर हम उनके बारे में बात करेंगे जिनके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है, यानी कि यू नाम वाले लोगों का अप्रैल से लेकर जुलाई तक के महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। और राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यू नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यू नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं, संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद हम राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि यू नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। जो यू नाम वाले लोग होते हैं काफ़ी आकर्षक लोग होते हैं और इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी रहते हैं। और यू नाम वाले लोग दिखने में सुंदर होते हैं और इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में अधिक लगता है। अपने साथ साथ ये दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं और यू नाम वाले बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं और इनका स्वाभिमान इनके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नज़र में साफ देखी जा सकती है। इनके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं और ये स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक भी होते हैं। ये अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, बेवजह किसी से किसी प्रकार का झगड़ा भी मोल नहीं लेते हैं। बहुत ही भरोसेमंद लोग होते हैं, कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है। यू नाम वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं और इनका हौसला भी बहुत बुलंद रहता है। एक बार मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यू नाम वाले लोग डगमगाते नहीं हैं। इनके व्यक्तित्व से ही इनके परिश्रमी होने का और दृढ़ निश्चयी होने का भाव प्रदर्शित होता है और अपनी योग्यता के दम पर ये सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। सामाजिक मान सम्मान पाने के सारे गुण इनमें मौजूद होते हैं और यू नाम वाले कभी कभी स्वभाव से जिद्दी जरूर हो जाते हैं और किसी काम को करने या किसी चीज़ को अपनाने की जिद कई बार इन पर नकारात्मक असर भी डाल देती है। और इनके जिद्दी स्वभाव के कारण कुछ लोग इनको अहंकारी भी मानने लगते हैं। वैसे यू नाम वाले धैर्यवान होते हैं और किसी भी काम को धीरे धीरे करना पसंद करते हैं और इनकी धीमी गति को देखकर कई बार इनके परिवार वाले इनको आलसी समझने लगते हैं। और यू नाम वाले लोग रचनात्मक और कलात्मक तो होते ही हैं, इसलिए हर काम को बहुत ही रुचि के साथ करते हैं। धर्म में भी इनकी गहरी आस्था होती है और ये लोग अच्छे विचारों के धनी होते हैं और इनके विचारों में शुद्धता और स्वभाव में जमीनीपन देखने को मिल जाएगा। यू नाम वाले प्रेम के प्रति भी समर्पित रहते हैं और अपने प्रति भी अपने साथी का समर्पण चाहते हैं। ये बड़े ही रोमांटिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार और ईमानदार रहते हैं और साथ ही वे इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद अपने साथी से रखते हैं। वैसे तो इन्हें सामान्य तौर पर गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर इनके सब्र का बांध टूटा तो फिर ज़्यादा गुस्सा आता है। ये जब किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर अपने विचार और फैसले से हिलते नहीं हैं। और यू नाम वाले लोग व्यवहारिक होने के साथ साथ इन्हें व्यवहारपूर्ण बर्ताव भी पसंद होता है और ये अवसर का लाभ उठाना अच्छी तरह से जानते हैं। ज़्यादा स्वार्थी नहीं होते हैं, महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, इरादे अच्छे होते हैं, लोगों को आपसे बात करना पसंद आता है और आपका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। आपको बहुत ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आपको अपने जीवन में धीरे धीरे ही तरक्की मिलती है, आपके जीवन में कुछ भी अचानक से नहीं होता है। तो यू नाम वाले लोग कुछ इस तरह के होते हैं। चलिए यू नाम वाले लोगों के धन की बात करेंगे कि धन के मामले में आपको अप्रैल से जुलाई तक क्या परिणाम मिलने वाले हैं। धन के और आय के मामले में यू नाम वाले लोगों को अप्रैल और मई का महीना थोड़े से अप एंड डाउन दिखा सकता है, संघर्ष दिखा सकता है, लेकिन अगर विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार, नौकरी है तो वहाँ पर आपकी धन और आय निश्चित तौर पर होती रहेगी, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन धन और आय के मामले में अप्रैल और मई का महीना थोड़ा सा आपको खर्चों को लेकर परेशान कर सकता है। जून और जुलाई बेहतर रहेगा, वहाँ पर आपको धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल और मई में आप ध्यान रखें कि बजट बनाकर चलें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, ये आपके लिए आवश्यक है।
व्यापार और नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिए तो चारों महीने बहुत बेहतर हैं। नौकरी आपकी अच्छी रहने वाली है। किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी करते हैं आपको आय होती रहेगी। अप्रैल का महीना बहुत बेहतरीन परिणाम दिखाएगा और व्यापार कारोबार के लिए अप्रैल का महीना तो बेहतरीन परिणाम दिखाएगा, लेकिन मई जून और जुलाई के महीने में व्यापार कारोबार को लेकर, विस्तार को लेकर कोई ना कोई खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। तो ध्यान रखें यू नाम वाले लोग कि व्यापार कारोबार और नौकरी में मई जून और जुलाई के महीने में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। अप्रैल का महीना बेहतर रहेगा। नौकरी के लिए लगभग चारों महीने बेहतर हैं, लेकिन व्यापार कारोबार के लिए अप्रैल का महीना ज्यादा बेहतर है। मई जून और जुलाई के महीने में सामान्य परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। और अगर विदेश से जुड़ी हुई कोई कंपनी है जिसमें आप नौकरी करते हैं या व्यापार कारोबार करते हैं तो आपको चारों महीने बहुत ही बेहतर लाभ मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी देखें तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे अप्रैल के महीने में। और अप्रैल के महीने के बाद मई जून और जुलाई के महीने में आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं और छोटे भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। पिता के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते हैं, हालांकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान आपको रखकर चलना होगा। वहाँ पर अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वो बढ़ सकती है, उसका ध्यान रखें। अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लें, डॉक्टर से परामर्श लें अगर कोई समस्या होती है। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे भी यू नाम वाले लोगों को चारों महीने कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना है। स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है, तनाव बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए अप्रैल और मई के महीने में बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो अप्रैल और मई का महीना बहुत बेहतर है। वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और आपका दाखिला भी होगा और आप पढ़ाई के लिए जा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, देश में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि अप्रैल और मई के महीने में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कार्य आपके हो जाएंगे लेकिन मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा और आपकी एकाग्रता भी नहीं बनेगी, और आप कोशिश भी करेंगे तो भी आपका समय खराब होता रहेगा और आप शिक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे अप्रैल और मई के महीने में। जून और जुलाई बहुत बेहतर रहेगा, वहाँ पर आप अच्छा कर पाएंगे और पढ़ाई में मन भी लगेगा और अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे। लेकिन अप्रैल मई में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अपने समय को बचाएं, व्यर्थ के कार्यों से दूर रहें। पारिवारिक कार्यों को लेकर, मित्रों के कार्यों को लेकर आपका समय खराब हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखें अप्रैल मई जून और जुलाई के महीने में, 10 मई तक का समय वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। वहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। वहाँ पर आपका रोमांस तो रह सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और वाद विवाद हो जाएंगे, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और 10 मई से लेकर और 31 जुलाई तक का जो समय रहेगा वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ कोई आपकी यात्रा हो सकती है और वहां उस यात्रा में आपके संबंध भी मधुर होंगे। और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है और वो ज्यादा वाद विवाद है, नहीं सुलझ रहा है, तो उसके लिए जुलाई का महीना ही ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहां पर प्रयास करेंगे तो सफलता मिल सकती है। और देखें तो अप्रैल और मई का जो महीना है, 10 मई तक का जो समय है, वहां पर आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली है। वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। और 10 मई से और 31 जुलाई तक के समय में सामान्य परिणाम मिलेंगे। उस समय पर अगर प्रयास करते हैं, खासकर जुलाई के महीने में, तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके वाद विवाद भी समाप्त हो सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, कोई ना कोई बातचीत चल रही है लेकिन शादी की बात पक्की नहीं हो पा रही है, 22 अप्रैल से पहले प्रयास कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपकी बातचीत पक्की हो सकती है और शादी की बात बन सकती है। और कोई ना कोई रिश्ता अगर 22 अप्रैल से पहले आता है तो अगर आप चाहते हैं कि मनपसंद साथी मिले और आपको लगता है कि रिश्ता अच्छा है तो 22 अप्रैल से पहले बातचीत करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में गलतफहमियां होकर रिश्ते टूट सकते हैं और आपका रिश्ता बनेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा वैवाहिक संबंधों में। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें तो यू नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों में अप्रैल और मई के महीने में बहुत ही रोमांटिक समय रहेगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकातें करेंगे, रोमांस भी करेंगे, और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो दिन भर आप कनेक्ट रहेंगे। और अप्रैल मई जून जुलाई चारों महीने अच्छे जाएंगे। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो अप्रैल और मई के महीने में रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपका प्रेमी प्रेमिका तनाव दे सकता है या फिर तनाव कर सकता है और उस कारण आपके वाद विवाद हो सकते हैं।
तो अप्रैल और मई के महीने में रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन बाद विवाद से बचकर रहना होगा, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। जून और जुलाई बेहतर रहेंगे, और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर जून और जुलाई का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और अगर आप प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं और मित्रता को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखें तो जून और जुलाई ही आपको बेहतर परिणाम दिखाएंगे। अप्रैल और मई के महीने में आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाना मुश्किल है, और अगर कोई ऐसा साथी है जो प्रस्ताव स्वीकार करता है तो वो आपके साथ लंबे समय तक संबंधों में नहीं चलने वाला है। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें, या फिर आप जांच परख कर बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव दें, तभी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, उसको कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं, तो भी जून और जुलाई ज़्यादा बेहतर है। अप्रैल और मई में ज़्यादा प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम यूनाम वाले लोगों को मिल सकते हैं इन चार महीनों में। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान करें, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यू नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।